दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के उस हेलीकॉप्टर शॉट को कौन भूल सकता है जिसे उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में जड़कर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। महेंद्र सिंह धोनी के इस शॉट के अलावा एक और घटना इस फाइनल मैच में हुई थी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में दो बार टॉस किया गया था और ये टॉस धोनी ने करवाया था। जब धोनी टॉस हार गए तो उन्होंने दोबारा टॉस करवाया था। इसका खुलासा अब श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने किया है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि आखिर फाइनल में दो बार टॉस क्यों करना पड़ा। बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप धोनी को दुनिया का बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 28 साल के लंबे इंतजार के बाद 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन अब सालों बाद फाइनल मैच को लेकर श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उस मैच में धोनी ने दोबारा टॉस करवाया था। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर बातचीत करते हुए संगकारा ने कहा कि उस फाइनल मैच में काफी ज्यादा क्राउड था और उनके शोर से मैदान गूंज उठा था। मैदान में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा श्रीलंका में कभी नहीं होता है, लेकिन ऐसा ईडन गार्डन्स में हुआ था जब मैं स्लिप के फील्डर से बात नहीं कर सकता था। संगकारा ने कहा, मुझे याद है जब टॉस हुआ तो धोनी आश्वस्त नहीं थे और मुझे पूछा कि आपने टेल कहा, तो मैंने बोला कि मैंने हेड कहा, तो मैच रेफरी ने कहा कि मैंने टॉस जीता है, लेकिन धोनी ने कहा मैंने नहीं सुना है कि संगकारा ने हेड कहा है। तो ऐसे में धोनी ने कहा एक बार फिर टॉस करते हैं। फिर धोनी के कहने पर दोबारा टॉस किया गया और दूसरी बार भी हेड ही आया था और मैं दोबारा टॉस जीत गया था। संगकारा ने उस मैच में हारने को लेकर कहा कि हम हारे या जीते, लेकिन इसे लेने का मुद्दा रखते हैं। मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा हुआ होता है जिसके लिए श्रीलंका में बैठे 20 मिलियन लोग 1996 के बाद से इंतजार में थे। हमें 2007 में मौका मिला था लेकिन हम चूक गए।